जिला सिरसा के गांव खाजाखेड़ा की रहने वाली एक महिला के उपचार में लापरवाही के सिलसिले में न्याय की दरकार को लेकर पीड़ित महिला के परिवारजनों व गांव खाजाखेड़ा निवासियों ने आज अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को समझाने के प्रयास किए। मामले के अनुसार गांव खाजाखेड़ा की रहने वाली एक महिला को रसोली की समस्या थी। डबवाली रोड पर स्थित स्पर्श हॉस्पिटल में महिला का उपचार हुआ था, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। अन्य डॉक्टर से चेक करवाने पर लापरवाही सामने आई है, ऐसा महिला के परिजन बताते हैं। इसके चलते आज उन्होंने दूसरी बार धरना दिया है। महिला के पति बलदेव सिंह ने बताया कि उपचार में लापरवाही हुई है, जिसके चलते आज हमने यहां धरना दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उपचार में लापरवाही प्रेषित कराया जी बच्चेदानी का, तो उस तो बाद बाथरूम से दिक्कत आने लग गई, तो कई दिन तो नलकी नुलकी लाई तो नहीं ठीक हुई, फिर लाती फिर असी डैम्पर लाने लग गए, फिर इन्हें 3 महीने बाद फिर दोबारा प्रेषण कराया जी, फिर नहीं दिक्कत आ जी, तक दिक्कत चल रही है जी, बाथरूम नहीं रुकया, उस करके पहले भी धरना लाया से प्रशासन जो हूँ भी दरखास्त दी, ना प्रशासन सुनता ना कोई और जी, उनके अब चलते हैं कि इनके कार्रवाई हो, इनके खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई हो, पर्चा दर्ज हो और इसका हॉस्पिटल बंद हो। लाज को ये 3 बार ऑपरेशन कर चुके हैं जी, दो बार ऑपरेशन कर चुके हैं और तीसरी बार अब कह रहे हैं कि आप इनको बाहर लेके जाओ, हमारे बस की बात नहीं, ठीक है जी। पहले धरना लगा चुके हैं, प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वो अभी तक हुई है नहीं। 2 बार सिटी थाने बुला लिया, वहाँ नहीं हमारी कोई सुनी गई जी, SP के पेश हो, SP से मिलने नहीं दिया प्रशासन ने। हम यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त इनके साथ कार्रवाई करी जाए और इस हॉस्पिटल को बंद करवाया जाए, ताकि कोई आने वाला और किसी व्यक्ति से कोई मतलब वैसा ना हो जी। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप तो गांव के मौजूदा व्यक्ति हो, सरपंच प्रतिनिधि भी हो, नंबरदार भी हो, आप गांव का जो पूरी कमान होती है आपके हाथों में होती है, बड़े बड़े फैसले भी करवाते हो, लड़ाई झगड़ों के प्रशासन के पास भी जाते हो, लेकिन ये जो मामला है इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा सर जी? पुलिस वाले कहते हैं जी उनको बुलाएंगे, आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे, ये कई बार हो चुका है जी। हम तो पंचायत पूरे गाँव से पंचायत लेके जाते हैं वहाँ, आज तक कभी इनको सामने नहीं करा, हमारे बात नहीं करवाई, ये कम से कम 3 बार 2 बार तो सिविल लाइन में हो गया जी, 2-3 बार से सिटी में आ गए थे, SP गए तो SP से बात नहीं करवाई जी। हाँ क्या कोई मिली भगत है कुछ ऐसा? मिली भगती है जी, इसमें साफ ही मिली भगत है मौके की, डॉक्टरों के साथ इनकी मिली भगत है जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नहीं तो अब तक तो होना चाहिए था पड़ते जी। सर ऐसे जैसे ऑपरेशन तो एक बार ही करवाना, उसके लिए पैसे इकट्ठे करना गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा होता है, और इनका तो 2 बार जे ऑपरेशन करवा चुके हैं, दूसरी बार करवाना भी पड़ा डॉक्टर की गलती से, इन्होंने पैसे भी दिए सारा कुछ करा, और उसका अभी तक पेशेंट को फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा, तीसरी बार अब ये फिर कह रहे हैं कि आप इसको इनको बाहर ले जाओ, जयपुर ले जाओ, 6-7 महीनों से जे घर में बेड पर पड़े हैं, ठीक है जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि प्रशासन इन पर कार्रवाई करे और आगे ऐसे डॉक्टरों से बचा जा सके, किसी और के साथ ऐसी घटना ना घटे। अब जे सभी हम भी धूप में खड़े हैं, लेडीज़ भी धूप में बैठी हैं, इन्होंने हमको बैठने पर मजबूर कर दिया है, इनसे हम क्या इलाज की उम्मीद करेंगे? तो हम तो यही चाहेंगे प्रशासन से भी आप इनके साथ खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और जो इनके खिलाफ मुकदमा बनता है वो दायर करके पीड़ित पक्ष को उनका हक दें। पहला भी जो धरना लाया साड़ी बिल्कुल सुनाई नहीं हुई, सानू पुलिस वाले ने ठा दिता, कहिंदे तुहाडी सुनाई करांगे, तुसीं इत्थे उठो पाओ, तुसीं इस तरह भी परचा दे दिओ इहदे ते, तुहाडी सुनाई करांगे, पर साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई, असं बहुत धक्के खाधे थाने च गए हैं, तो DC SV गए हैं, साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई, साड़ी बिल्कुल सुनाई नहीं हुई, असं हूँ दोबारा तो करके धरना ला लिया, साड़ी सुनाई नहीं हुई, असं कार्रवाई करना चाहते हैं, यदा अस्पताल बंद होना चाहते हैं, हो जाएगा ये प्रेषण नहीं कर लिया बिल्कुल नहीं, बहुत गलत प्रेषण कर दी है, फिर ये गलती नहीं मानती, फिर जो असं आए हैं इन्होंने बदतमीजी की साढ़े न ना साड़े प्रेषण गलत करते, ना साड़ी ना बदतमीजी की, इन्होंने बहुत साड़े गलत बदतमीजी की। हाँ
हाँ जी बहुत गलत ऑपरेशन करते, इन्हों नहीं करना आता ऑपरेशन का।